चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे हैं। हम तो आए थे एसपी ऑफिस के अंदर जाने के लिए, एसपी से मिलने के लिए, अपनी एक एप्लीकेशन दे रखी है, अभी इस पर एफआईआर दर्ज कर दो। और यह बैरिकेड लगा के रास्ता इन्होंने रोक रखा है। देखिए, जब किसान आंदोलन होते हैं तो उनके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पीछे कुछ पर्दा होता है, जिसमें जो सेवा करने वाले युवा होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत आवश्यक काम करते हैं। लोगों को यहाँ पानी की सेवा करते हुए ये जो युवा है, इन तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो ये सेवा करते हैं। और लगातार काफी संख्या में जो किसान उनकी सेवा करते हुए ये युवा, इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हरियाणा के साथ नाम बताइए आपने, बिटू किस तरीके से सेवाएं करते हैं, क्या क्या उद्देश्य होता है, कहां से? नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हम किसानों के लड़के हैं तो हमारा हमारा इनके बिना कुछ नहीं है, ये है तो हम तो जहां भी जाते हैं हमेशा इसी तरीके से सेवा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आंदोलन चलेगा हम पानी की सेवा देते रहेंगे, जब तक चाहे चार दिन लगे, पांच दिन लगे, एक साल चले, ये हमारी जिद है। तो इसके अलावा आंदोलन में भी जाते हैं? जी बिल्कुल, शुरू दिन से ही। और साथी कौन है? हमारे गांव के सभी साथी, पूरी की पूरी टीम है। सारी नाम बताइए। दीपक, दीपक लगातार जब भी आंदोलन होता है सेवाएं ऐसे ही करते हैं। पानी अग्रिम पंक्ति के नेता आज भी लगे हुए हरियाणा पर, नॉन भी लगे हुए थे दो तीन दिन से। मैं हमारा मेन मोटो यही है कि ताकि कोई भी इतनी पब्लिक होने के बावजूद कोई भी प्यासा ना रहे, भूखा ना रहे। अगर हमें ये लगता है कि यहाँ पर खाने की जरूरत है तो हम खाना भी प्रोवाइड करवाएंगे। जी आप लोगों को बहुत बिल्कुल अभिषेक नाम है। ये टीम है इन भाइयों की जो लगातार जल की सेवाएं यहाँ करते रहते हैं। संदीप नाम है जी। लगातार कहाँ से जुनून पैदा होता है कि हम सेवा करें? सेवा क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े लगे हुए हैं, हम किसान परिवार से हैं, इसी के कारण हम यहाँ पे खड़े हैं, खा रहे हैं। तो ये लोग लड़े तो हम इनको पानी पिलाने का काम, ये छोटा मोटा काम हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये 11 महीने से हमारे बड़े बूढ़े लगे हुए हैं, तो हमें भी थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जितने दिन भी चलेगा हम करते रहेंगे, लगे रहेंगे पानी के। तो फाइनेंशियल कहाँ से इकट्ठा करते हैं? नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं, जो पूरी टीम है वो अपना कंट्रीब्यूट करके वो कर रहे हैं। कैसा लगता है जब लोगों की सेवा करते हैं? एक नंबर का मजा आवा जी, पूरा सब दिन एक नंबर बढ़िया आवा जी। हमारे दादे बूढ़े समझाए गए जी, हमने सेवा करनी चाहिए, नु करना चाहिए, जब तक आंदोलन चला तब तक सेवा करेंगे जी। हमारे गाँव वाला ने जी दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे भी लंगर चला रखा है, नारंद गांव में पूरे एक साल हो गया टिकरी बॉर्डर पे लंगर चल रहा है हमारा। मेरा नाम भविष्य है, दिल्ली के। तो आप भी साथ ही हैं? 11 महीने साथ ही हमारी एक टीम कैसा अनुभव रहता है तो अच्छा लगता है जब हम इस युवा को देखते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार युवा शक्ति ये अपनी पानी की सेवा जब भी जब जो है लंगर चलेगा तब तक ये अपनी पानी की जो है सेवा देते होंगे। इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा संदल चल हरियाणा के साथ किस तरीके से जो है लगातार अपनी सेवा यहाँ देते हैं। और ये कहा गया है कि जब तक ये सेवा चलेगी तब तक हम जो है अपना ये कार्य, क्योंकि जल ही बहुत बड़ी सेवा होती है। तो इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे असंदल चल हरियाणा के साथ। और ये लाइव तस्वीर असंदल चल हरियाणा के माध्यम से हाँसी से इस समय हम लाइव है, बने रहे और जुड़े रहे असंदल चल हरियाणा के साथ। कोने कोने से आए सभी किसान भाइयों, सभी मेरे खाप मौजूद लोगों, आप सबको हाथ जोड़कर सिर झुका कर नमन करता हूँ। और जैसे भाई बता चल गया, परिवार में भी उठक बैठक करने लग गया है। यह असली भैंस तब ब्याह होगी जब यूपी में इन्हें दबा देंगे। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर सब अपनी नजर धर लो, आप लोगों ने यहाँ भी इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अपनी नजर उत्तर प्रदेश पर बना लो, उत्तर प्रदेश में पादरे हो गए तो पूरे देश में पादरे हो जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ, समय की कमी है और मैं वकील भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने सर छोटू राम बनकर काम कर रहे हैं। जो सर छोटू राम भी वकील थे उनके आदर्श पर चल के वकील काम कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा भीमराव अम्बेडकर और हमारे सर छोटू राम के अनुयायी बनकर आप सभी लोग काम करें। किसान कमेरे की ताकत के आगे सबको झुकना पड़ेगा। जय जवान जय किसान।
एक बार मैं निवेदन करूंगा सतवीर पहलवान जी से, वो आए और अपनी बात रखे, उसके बाद कभी के बन के तैयार होगी उसका नाम अनाउंस कराने। धन्यवाद विकास भाई। हाँ आदरणीय अध्यक्ष मंडल और किसान मोर्चा के जितने भाई आए हैं दिक्कत के साथ, बुजुर्गों और साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। भाई भाषा तो बड़ी सहता दी है, समझ में आ जाएगी भाई किसानी झंडा लहराता हुआ और कहीं ना कहीं काफी बहुत बड़ा ये झंडा लाइव तस्वीर देख सकते रही है, बने रहेगा सुंदर चल रहे लगातार जो किसानी नेता है वो बोल लिए। एक हमारा समाज में किसी अन्य भाजपा की नहीं हो गया और खून के काम किए तो हम खून देने के लिए तैयार हैं तो तैयार हो गए ग्राम ऐसी।